गुड मॉर्निंग क्लास टू सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर एंड टॉपिक इज सेकेंड चैप्टर नाउंस. ओके नाउंस मीन्स वॉट. ये चीज़ हमने फर्स्ट में भी पढ़ी थी. ओके नाउंस नेम. ओके पर्सन थिंग्स एनिमल्स इसको कहते हैं नाउन. के कोई भी चीज़ होती है किसी का नाम होता है ना एनिमल्स होते हैं. ओके अब आज हम सेकेंड स्टैंडर्ड में थोड़ा डिटेल्स में रीड करेंगे. अब पेज नंबर 8 पे आप लोगों को होमवर्क में ही मैं दूंगी जो अभय वांट्स टू प्ले अ गेम ऑफ क्रिकेट. ये वाला पैराग्राफ है उसमें समय प्रॉपर नाउन चूज करने हैं और देखो ए से लेकर जे तक जो भी नाउन है वो उसमें लिखने हैं. अब सेकेंड टॉपिक है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. कॉमन एंड प्रॉपर नाउन मीन्स वॉट. कॉमन नाउन मीन्स जो हम डेली यूज में यूज़ करते हैं रोज़ जो हम हमारे डेली वर्ड्स बोलते हैं. ओके होमवर्क है फिर क्या है प्लेइंग है खाना खाने के लिए ईटिंग करना है. प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है जो हम कभी कभार ही यूज़ करते हैं. वी आर गोइंग टू अमेरिका है ना ये हम रोज़ अमेरिका घूमने जाते हैं. नो ओके वी आर गोइंग टू आर रिलेटिव्स होम. हम हमारे सगे संबंधी के घर जा रहे हैं. तो जो कभी कभार यूज़ होता है ओके वो प्रॉपर नाउन एंड कॉमन मीन्स एवरी डे. तो इसमें हमें क्या करना है जो डेबिट वाला पैराग्राफ दिया हुआ है उसको उसमें से हमें कॉमन एंड प्रॉपर नाउन अंडरलाइन करना है जो हम होमवर्क में करेंगे. अभी उसके नीचे है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस. काउंटेबल मीन्स व्हाट. काउंटेबल मीन्स जो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं एंड अनकाउंटेबल मीन्स व्हाट जिसे गिना नहीं जाता. ओके अभी काउंटेबल्स में एग्जांपल स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं यस. ओके हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं वो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं. अनकाउंटेबल मीन्स व्हाट. ओके हमारे सर के ऊपर जो हेयर है उसको हम काउंट कर सकते हैं बच्चों. नो फिर स्काई में स्टार्स होते हैं काउंट कर सकते हैं. हाँ काउंट तो कर सकते हैं ना. नहीं कर सकते. ओके चलो तो स्टार्स को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं. तो वी हैव स्टार्टेड लर्निंग अबाउट नाउन. लेट अस गो वन स्टेप फर्दर एंड लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन. तो एग्जाम्पल दिया हुआ है काउंटेबल नाउन्स मीन्स. काउंटेबल नाउन्स आर दोज दैट वेल वी कैन काउंट. जैसे मैंने पहले बोला वैसे एग्जाम्पल चौक लीव डॉग गर्ल बॉय कोई भी चीज़ जो हम काउंट कर सकते हैं. तुम खाने की जो रोटी है कितनी खाते हो काउंट होती है. हाँ ऑब्वियसली काउंट होती है ना कि आज मैं दो रोटी खाऊंगा. फिर बहुत भूख लगी है तो हम फोर रोटीज ईट करेंगे है ना. अभी अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स दिस आर नाउन्स दैट यू कैनॉट काउंट. वी कैन लुक एट द ग्लास ऑफ अ वाटर एंड सी हाउ मच वाटर देयर इज इन द ग्लास बट वी कैनॉट काउंट वाटर. वाटर मीन्स पानी. वो तो लिक्विड है उसको तो हम काउंट नहीं कर सकते. वो तो लीटर्स में होता है. सो दिस इज एन अनकाउंटेबल नाउन. उसकी एग्जाम्पल हम फिर नीचे देखेंगे और काउंटेबल और अनकाउंटेबल का हम लोगों को एग्जाम्पल और नीचे एक्सरसाइज भी दिया हुआ है. अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज वी कैन नॉट काउंट. अभी जो थर्ड नंबर वाली एक्सरसाइज है उसका हम होमवर्क में करेंगे. ओके नंबर 10 पेज नंबर 10 काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. तो हमने फर्स्ट में सिंगुलर और प्लूरल भी पढ़ा था. जो चीज़ एक होती है उसको कहते हैं सिंगुलर. बॉय एक ही है तो बॉय है तो सिंगुलर. एक से ज़्यादा है वो बॉयस. के फिर डॉग तो डॉग है वो एक सिंगल सिंगुलर वो है डॉग सिंगुलर. एक से ज़्यादा डॉग्स तो क्या आएगा प्लूरल. तो अभी देखो पेज नंबर 10 में इज एंड आर भी ब्लू कलर पे लिखा है.
माई डॉग इज प्लेइंग. ओके, जब सिंगुलर होता है, डॉग है, बॉय है, गर्ल है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? इज. और अगर एक से ज़्यादा है डॉग्स, तो बहुत सारे एक से ज़्यादा, तो उसके पीछे हम क्या लगाएंगे? आर. वेरी गुड. चलो, वी यूज अ फ्यू एंड मैनी विथ काउंटेबल वर्ड्स. अगर फ्यू और मैनी वर्ड्स भी हम काउंटेबल के साथ लगाएंगे, जो चीज़ थोड़ी है, जो काउंट हो सकती है, जो गिनी जा सकती है, उसमें हम फ्यू का और मैनी का वर्ड यूज कर सकते हैं. देर आर मैनी फ्लावर्स इन दी बास्केट. ओके, फिर देर आर फ्यू पीपल इन माई बर्थडे पार्टी, है ना? ओके, चलो. वी हर्ड अ फ्यू बेबीज क्राइंग, मतलब हमने ऐसे सुना कि कोई कोई और बच्चे रो रहे हैं. I saw many lions in the zoo. बहुत सारे lions zoo पे हैं. We usually treat uncountable nouns as singular. We use a singular verb. जो चीज़ गिनी नहीं जा सकती, उसमें हम किसका यूज़ करेंगे? सिर्फ सिंगुलर, ओनली वन पर्सन के बारे में. ओके, और वो भी verb. The water is cold. बच्चों, इज और आर आपको फर्स्ट में भी ग्रामर में मैंने सिखाया था. सिंगुलर चीज़ इज होती है, एक से ज़्यादा होते हैं तो आर. ओके, देर आर मैनी बॉयज इन दी क्लास. ओके, अभी जो चीज़ गिनी नहीं है, द वाटर इज कोल्ड, पानी लीटर्स में उसको गिन हम नहीं सकते हैं. द वाटर इज कोल्ड, पानी बहुत ठंडा है. द फूड इज टेस्टी. ओके, जो खाना है वो बहुत टेस्टी है. We use a little and much with uncountable nouns. जो गिना नहीं जा सकता, उसमें हम कौन से दो वर्ड यूज करेंगे? A little and much. Okay? I have got a little milk. We have. I have got a little milk. मेरे पास थोड़ा सा दूध है. I haven't got much rice. मुझे ज़्यादा rice नहीं मिले हैं. ओके, आई हैवन्ट गॉट गुड मार्क्स. मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं. ओके, तो अभी पेज नंबर 10 पे 4 वाली है एक्सरसाइज, वो हम होमवर्क में करेंगे. ओके, पेज नंबर 11 इज सिंगुलर एंड प्लूरल. तो देखो बच्चों, एक्सरसाइज है ये, हम होमवर्क में करेंगे. अगर इफ़ इट इज़ वन गर्ल, सो गर्ल, एंड इफ इट इज़ मोर देन वन, तो क्या आएगा? गर्ल्स. Yes, very good. Tree, trees. Ball, balls. है ना? अभी पेज नंबर 12. Look at the picture. You can see a train with 4 compartment. आपको बेटा ट्रेन दिखाई दे रही है? हाँ. इसमें क्या है? 4 compartment means 4 डिब्बे है. Each compartment has a different color. ओके, देखो ऊपर ब्रैकेट में कलर्स भी लिखे हैं, और वो भी कौन से हैं? ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो. देर आर सम पीपल हु वॉन्ट टू गेट इन टू द ट्रेन. नीचे बच्चे हैं और बड़े भी दिखाई दे रहे हैं. हाँ, है ना? देखो अलग अलग एज के हैं. बेबी है, फिर फॉक्स है, कैट है, शेल्फ है, मैच है, लीफ है, हट है और लेडी है. दो बच्चे हैं, उसके मम्मी पापा है, अंकल आंटी है और ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर है. इन सब लोगों को क्या करना है? ट्रेन में बैठकर घूमने जाना है. ईच पर्सन हैज़ ए नाउन रिटन ऑन हिम और हर. तो देखो बच्चों, उनके ऊपर जो नाम लिखा है वो हमें ट्रेन में अच्छे से लिखने हैं. चेंज द नाउन टू इट्स प्लूरल फॉर्म. इसको हमें क्या करना है? प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा है, तो उसको हमें चेंज करके लिखना है. नाउ कलर द पर्सन इन द कलर ऑफ द कंपार्टमेंट टू विच दिस प्लूरल नाउन बिलोंग्स. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. अभी देखो, अभी फॉक्स है तो सिंगल होते हैं. ओके, तो इसको हमें प्लूरल में चेंज करके हमें कलर करने हैं. ओके, तो मैं आप लोगों को ये होमवर्क में दिखाऊंगी. अभी क्या आएगा? सम प्लूरल नाउंस. ओके, ये थोड़े अलग है. अभी सपोज है वन मैन,
ओके तो हम ए यूज करते हैं. अभी इफ इट इज मोर देन वन, अभी सपोज 10, तो हम मेंस लिखेंगे. नो दिस इज रॉन्ग, हम लिखेंगे एम ई एन मैन, तो इस पे ई आ जाएगा. ओके अभी सपोज 1 वुमेन है, ओके एक ही है, ओके जिसमें हमें एम ए एन मैन था वैसे ही वुमेन में भी सेम ए है. अभी एक से ज़्यादा है तो इसमें हम इसके जैसे वुमेन्स लिखेंगे. नो डब्ल्यू ओ, अभी इसमें है 15 वुमेन, तो एम ई एन, इसमें पीछे प्लूरल में एस नहीं आता. अभी 1 क्या लिखा है, फूट, एक पैर है. अभी हमारे पास कितने पैर है बच्चों, 2 है. ओके तो क्या लिखेंगे, मैनी फीट के डबल ओ की जगह क्या लिखेंगे, डबल ई. ओके फिर है 1 चाइल्ड, एक बच्चा है. बहुत सारे स्कूल में बच्चे हैं तो 30 चिल्ड्रेन, ये चीज़ तो हम लोगों ने फर्स्ट में भी की थी. फिर 1 है माउस, ओके पिक्चर में आप देख रहे हो एक चूहा है, एक से ज़्यादा है तो क्या होता है, 3 and 4 एंड मैनी माइस. ओके चलो अभी 10th में यस, और देखो ब्लू लेटर में, ब्लू बॉक्स में क्या लिखा है, यस द अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज इन द सिंगुलर. ओके जो चीज़ हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो हमने देखी, वो क्या होती है, ऑलवेज सिंगुलर मतलब सिंगल होती है. ओके अभी उसके नीचे वाला है हम होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. ओके नाउ पेज नंबर 14 11 तक हम होमवर्क में करेंगे. थैंक यू, आप लोगों को चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और एक्सरसाइज भी मेरे साथ कंप्लीट करनी है.